में नहीं आ रहा, मेरी रकम पूरी करो वरना। वरना क्या? क्या क्या कर लोगे? क्या होगा, तुम तलाक लेके घर बैठ जाओगी। अम्मा, अम्मा के लिए चाहिए मुझे पैसे। हाँ, अम्मा के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि अम्मा को कैंसर है, ब्लड कैंसर। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किरण बहुत घबरा जाती है फरहान के वापस आ जाने से, क्योंकि फरहान उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे 25 लाख चाहिए। तो किरण के पास जितने पैसे होते हैं 5 लाख, और फरहान को उसी जगह पर बुलाती है जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। अगले दिन फरहान मॉल में आ जाता है तो किरण उसे 5 लाख दे देती है और कहती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास यही 5 लाख है। तो फरहान कहता है तुम्हें प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती कि मुझे 5 नहीं पूरे 25 लाख चाहिए। ये 5 लाख चलो मैं तुम्हारी खुशी के खाते रख तो लेता हूँ, लेकिन दोबारा जब तुम मिलोगी तो 20 लाख का इंतज़ाम करके आओगी। तो किरण कहती है तुम्हें समझ नहीं आती, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती। तो फरहान कहता है कि तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम जैसे ड्रामेबाज लड़की की बातें समझ नहीं आती। किरण कहती है अगर तुमने रखने हैं तो रखो वरना मुझे वापस दे दो। फरहान आगे से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे 25 लाख ना दिए तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या करूँगा। किरण चुप हो जाती है। फरहान कहता है पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे शौहर से मिलूँगा, तुम तलाक लेके अपने घर बैठ जाओगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। किरण घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आके किरण कहती है कि मैं कैसे 20 लाख का और इंतज़ाम करूँगी। तो हमेशा की तरह झूठ मूठ कहानियाँ बनाती है और सरबाप के आने का इंतज़ार करती है, सरबाप के साथ बैठती है। तो सरबाप कहता है कि आज आपका मूड इतना सही कैसे है। तो किरण कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। 20 लाख ये सुनकर सरबाप हैरान रह जाता है कि 20 लाख महीने के तौर पॉकेट मनी के तौर पे जो महीने को आपको 2-3 लाख मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऊपर से फिर आपका हैंग आउट्स रेस्टोरेंट उसमें आप इतने पैसे उड़ा देते हैं, तो ये 20 लाख कैसे। तो सर बाबू से काफ़ी सुनाता है, किरण उसकी बातें सुनती हैं। तो किरण कहती है कि ये 20 लाख मुझे अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए चाहिए हैं। तो सर बाबू कहता है कि आखिर ये 20 लाख तुम्हें चाहिए क्यों है, पैसे भी दरख्तों पर थोड़ा उठते हैं, मैं सिर्फ एक ऑफिस से तो रन कर रहा हूँ। सरबाब उसे काफ़ी सुनाता है और किरण सुनती है। तो किरण कहती है कि ये 20 लाख, सरबाब कहता है चाहिए तो बताओ कि आपको 20 लाख चाहिए क्यों है। तो किरण चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं होता। किरण कहती है कि ये 20 लाख मुझे अम्मी के लिए चाहिए। सरबाब कहता है 20 लाख अम्मी के लिए क्यों चाहिए, तुमने क्यों देने अपनी अम्मी को 20 लाख। किरण कहती है कि मेरी अम्मी को कैंसर है और वो भी ब्लड कैंसर। ये सुनकर सरबाब हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं कल ही तुम्हें 20 लाख का बंदोबस्त करता हूँ, तुम्हें देता हूँ। अगले रोज़ जब सरबाब ऑफिस जाता है तो उसे 1 लाख का चेक पकड़ा जाता है और कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है, शाम को जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अपनी अम्मी को ऑपरेशन करवा लो। किरण बहुत खुश होती है कि उसका फरहान से पीछा छूट जाएगा। नहीं आ रहा मेरी रकम।